जयते है, ये लड़ाई सच और झूठ का लड़ाई है। सच को जीत हुआ है, भले सच को इन लोग ने परेशान कर सकता है, पराजित नहीं कर सकता है। ये एनडीए और इंडिया का जीत हुआ है। राहुल जी, जब भी राहुल जी का इन लोग ने डिस्क्वालीफाई, तब भी घर पे नहीं बैठे, लोगों का आवाज उठाना, लोगों का दर्द सुनने, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमेशा राहुल जी ने संघर्ष करने का काम किया है। जो लोग जो किस तरीके से जो आज के फैसले में पूरा दुनिया में जो त्योहार बना रहे हैं, इससे पता चला है। अभी बीजेपी वाले तमाम बयान कर रहे हैं, थोड़ा सच को भी इन लोगों को बर्दाश्त करने का तो थोड़ा रखना चाहिए इनको, तो किसको नहीं पच रहा है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला से सारे बीजेपी नेता अभी कोर्ट के ऊपर भी इन लोग आवाज उठा सकते हैं, तो उनका काम है। जो हमारा जो राहुल जी के नेतृत्व में देश का लोकतंत्र बचाने का, संविधान को बचाने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, अभी जो भी है, राहुल जी ने जो उनके आप पूरा आज का जो वहाँ कोर्ट में जो आर्गी हुआ है, सारे बात आप सुन सकते हैं किस तरीके के राहुल गांधी जी, उस तरीके का जो बात इन लोग ने किस लेवल पे लेके गया। जो कर्नाटक में जो 2019 में जो बात हुआ था, उसको वैकेंट क्यों हुआ, एक पार्लियामेंट में आवाज उठाए, वो 20,000 करोड़ किसका है, तब से ये तमाम चीजें आया है, वो दुनिया जानता है। राहुल जी कभी झुके नहीं है, ना कॉम्प्रोमाइज करने वाला एकलौता नेता है दुनिया में। हमेशा सच के साथ लड़ाई लड़े और इस देश का जनता के साथ खड़ा रहे, उनका